भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ हिमाचल प्रदेश व पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कल्याण मंच द्वारा कुनिहार में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाबू राम ठाकुर ने की। इस अवसर पर बतौर मुख्यातिथि प्रदेश कर्मचारी पेंशन कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने शिरकत की। उनके आगमन पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष ब्रह्मानंद, पथ परिवहन निगम कल्याण मंच के कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजलाल ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर पेंशनर्स की प्रमुख मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश कॉर्पोरेट सेंटर के अध्यक्ष देवीलाल ठाकुर, जिला परिषद कार्य के उपाध्यक्ष सुखराम, विजय लक्ष्मी व पथ परिवहन निगम कल्याण मंच के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों के ज्ञापन मुख्य अतिथि को दिए। इस मौके पर मुख्यातिथि घनश्याम शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों, पेंशनरों, मजदूरों के प्रति सरकार गंभीर है। कांग्रेस अनाप शनाप बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। कांग्रेस अपने कार्यकाल में रहते हुए ओपीएस लागू नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि 1972 के पेंशन रूल के मुताबिक केंद्र सरकार इसे वहन करता है। उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि इस विषय को सरकार के समक्ष रखकर बातचीत से सुलझाया जाएगा। पेंशनरों की राज्य स्तरीय JCC बैठक का इसी महीने आयोजन करवाया जा रहा है। इस मौके पर इंद्रपाल शर्मा, बाबूराम, ब्रजलाल, ब्रह्मानंद आदि कर्मचारी नेताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। बैठक जिला से करीब 200 से अधिक लोग मौजूद रहे। नेशन न्यूज के लिए हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। और अभी भी लोग संघर्षरत हैं। ब्रजलाल जी बैठे, इंद्रपाल जी बैठे, पूरे हिंदुस्तान की सैरों ने करवा दी। ऐसे अनेकों लोग यहाँ पर हमारे बदले बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बहुत मूल्य सुने कर्मचारियों की भलाई के लिए लगा। आज सभी के मध्य में अपने आप को पात्र की बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सबका आशीर्वाद और सहयोग, ये दो चीजें आज मुझे प्राप्त हो रही है। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा निधि है, बहुत बड़ी संपत्ति है। यहां पर मुझसे पहले बड़े प्रबंधकर्ताओं ने बड़ी लंबी लंबी बातें यहां पर, क्योंकि दिन बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। कुल मिलाकर के अगर माने तो डेढ़ एक महीने का समय अपने पास है। हिमाचल प्रदेश की सरकार का भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का भी धन्यवाद आदमी हूं जिन्होंने आप सबकी दिल की बात को समझा, दर्द को समझा। और इस पहले इस बोर्ड की गति पर कौन बैठे का विषय ये नहीं। हमने हमेशा खुले मन से यह कहा है, खुले मन से कहते हैं व्यक्ति आते हैं चले जाते, नई पीढ़ी आती है अपने ढंग से सृजन करती है, लेकिन जो मर्यादाएं स्थापित हो जाती हैं उन मर्यादाओं को आगे चलाना ये सरकारों की और वर्ष की जिम्मेवारी बन जाती है। ऐसा गिना आज मैं हूं इस गति के रहा हूं। अभी दो दिन पहले का रूप चिड़गांव के दुर्गम क्षेत्र में गया था, वहां के दर्शन से लेकर के आया, वहां मीटिंग कर के आया। उससे पहले कांगड़ा के क्षेत्र में गया था, वहां जैसे दो दिन के गुरु के दौरे पर जा रहा।